24 दिसंबर को हल्द्वानी जाएंगे पीएम मोदी, जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। देश के 85% आबादी की लगी वैक्सीन की पहली डोज मंडाविया, बोले कोरोना के खिलाफ मजबूती से बढ़ रहा है भारत। मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों में मिशनरी स्कूल में की तोड़फोड़, 8 छात्रों के धर्मांतरण का लगाया आरोप। चंपावत में दलित युवक की मौत का मामला भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। चमोली में त्रिशाला नवरात्र की हुई शुरुआत, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। खबर पौड़ी से है, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार, राज्य सेक्टर और केंद्रीय पोषित कार्यक्रमों की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में डॉक्टर शेड़ी आने पर राजकीय सिंचाई और समाज कल्याण को छोड़कर समस्त अधिशासी अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि कार्य प्रगति की प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्वाचन के कार्य के अलावा समयानुसार अपने भागों का काम करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उद्यान अधिकारी की खिरसू और पौड़ी में 1 सप्ताह के समय कीवी का प्लांटेशन कराने की कार्रवाई कर निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि टेंडर प्रक्रिया पूरा कर काम को जल्द से जल्द शुरू करना सुनिश्चित करें। थल के बेरी नाग नगर में ग्रामीण क्षेत्र के लिए बन रही लिफ्ट पेयजल योजना का जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया। जल संस्थान और सहायक अभियंतक एसएस रावत, अवर अभियंता महेश रौतेला, जल निगम के जगदीप राणा और अवर अभियंता मनदीप रावत ने साल 2015 में निर्माणाधीन लिफ्ट पंपिंग योजना 14,93,000 की लागत से बन रही योजना के पहले चरण और दूसरे चरण के टैंक निर्माण, फिल्टर निर्माण और वाल्व का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने बेरी नाग विकास खंड सभागार जल निगम के जल संस्थान दोनों विभागों की समीक्षा बैठक ली गई और 1 महीने से पहले काम को पूरा करने का आदेश दिया। 8 महीने बीतने के बाद भी विपक्षी अधिकारियों की लापरवाही के कारण काम पूरा नहीं हो पाया और ना ही 15,000 की आबादी को पेयजल की समस्या से निजात मिल पाई। जो पंपिंग ग्राउंड और संतुराम पंपिंग की लाइन और पंप मोटर और पंप देखे, उसमें उसमें जो प्रथम स्टेज है, प्रथम स्टेज में जो कमियां थी और जो सेकंड स्टेज में जो पंप सिंगल पंप इनका चल रहा है, हम उसको जो मैकेनिकल डिवीजन अल्मोड़ा है उसको अवगत करा रहे हैं। बाकी जो सिविल वर्क हुआ है उसकी संरक्षण आगे जारी रहेगी। अलियर विधानसभा के ग्राम माजरी गुम्मावाला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी नेता और वरिष्ठ समाज सेवी मुनीश सैनी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें विधवा पेंशन और विकलांग प्रमाण पत्र बनाए गए। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उत्तराखंड सरकार ने योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी ने कहा कि इस तरह के कैंपों का आयोजन लोगों में जागरूकता पैदा करता है और सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उससे लोग लाभान्वित होते हैं। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वे भारत के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। क्यों करती है? नहीं, हम लोग तो पहले से ही विकास के लिए कटिबंध रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर समय विकास करती है और सबका विकास करती है। वो किसी बिना किसी द्वेष के, बिना भेदभाव के विकास कार्य कराती है और पहले से चलते रहते हैं। और अगर हम लोग जो चुनाव के समय में लगाते तो जो भाई हमारे इनसे जो लाभान्वित नहीं हुए थे तो हम लोगों को कैसे पता चलता? जब आदमी पहले से ही विकास करता हुआ आता है तभी तो उसे पता चलता है कि 5 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी या इतने आदमी हमारे अभी इसका लाभान्वित नहीं हुए, उसी क्रम में तो हमने इसको लगाया है। तो हम लोग चुनाव के समय में ऐसा नहीं है कोई चुनावी स्टैंड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर समय विकास के लिए कटिबद्ध रहती है और सब जगह विकास धरातल तक जा करती है और हमारी पार्टी का यही सबसे अच्छा संदेश है कि हमें अंतिम छोर तक बैठे हुए आदमी का विकास।
खबर चंबोली के पिंडर घाटी से, जहां ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरमनी मींग धेरा के पास एक कार अनियंत्रित हो गई। गनीमत यह रही कि कार चालक रुद्रप्रयाग निवासी राकेश आर्य किसी तरह बच गया। बता दें कि रुद्रप्रयाग जनपद के गांव गंधारी तहसील रुद्रप्रयाग राकेश आर्य और सज्जन लाल सिंह, जिनकी पिथौरागढ़ में पोस्टिंग है, वह छुट्टी लेकर घर आ रहा था, जिसके बाद हरमनी के पास उनकी कार पिंडर नदी में गिर गई। मौके पर लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस और राजस्व विभाग को दी, जिस पर पुलिस और राजस्व विभाग कर्मी मौके पर पहुंचे, जहां घायल फौजी का प्राथमिक उपचार करने के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ, इसको देखते हुए उन्हें हाई सेंटर रेफर करा दिया गया है। नशे का धंधा चलाने वालों पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है। इस अभियान के तहत ऋषिकेश में पुलिस ने एक युवक को चेकिंग के लिए रोक लिया, जिसके पास से 40 ग्राम स्मैक बरामद हुई। वहीं पूरे मामले का खुलासा नरेंद्र नगर के सीओ रविंद्र कुमार चमोली ने किया है और बताया कि तस्कर के खिलाफ पुलिस ने NDPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी जो कमल बादवा है, मूल निवासी सारनपुर का रहने वाला है, मुनी रेती क्षेत्र में काफ़ी समय से रह रहा था, जिसमें SOG प्रभारी या एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 40.26 ग्राम स्मैक, जिसकी अनुमानित कीमत 3.5 लाख रुपए है, इसको गिरफ्तार किया गया। खबर चमोली के नारायण भगड़ प्रखंड से है, जहां सुप्रसिद्ध गिरजा भवानी राजेश्वरी सिद्धपीठ चौपत्ता चौरी में त्रिसाल नवरात्र का विधि विधान और पारंपरिक पूजा अर्चना करने के बाद शुभारंभ हो गया है। कड़ाकोट पट्टा के चौपत्ता गांव में हर 3 सालों में होने वाले इस भव्य नवरात्र की तैयारियां इस क्षेत्र के 9 गांव के ग्रामीणों ने पूरी तरह कर ली थी। बताया कि चौपत्ता चौरी का ये नवरात्र बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालुगण आते हैं और अपने माँ गिरजा भवानी राजेश्वरी चौपत्ता चौरी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। शेज निकाला जाएगा और शेज के ऊपर जो यहाँ इस मठ के जितने भी देवी देवता स्थापित हैं, 9 नाथ 84 साथ 9 भैर की धुनी है, वो यहाँ पर अवतरित होगी और उस टाइम से जो है ये कार्यक्रम हमारा चांदनी का शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 7 विद्वान पंडित शास्त्री लोग यहाँ पर जो है बाकी पूजा में लगे हैं और बजगीर जो है हमारे पास 4 जो कि जो है चांदनी को गर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो है षष्ठी का पर्व, कालरात्रि का पर्व होगा, क्योंकि कालरात्रि पूजन में षष्ठी में जारी है और षष्ठी में ये 6 बजे तक दिन में रहेगा। कालरात्रि तो रात्रि को होती है, इसलिए षष्ठी में कालरात्रि का पर्व होगा और उस दिन बड़ा प्रोग्राम है। उस दिन जो है हमारा यहाँ पर जो तरह तरह के जो है नृत्य लोग यहाँ पर होंगे, शंभू कालिका कैंट मधुकैंट और संन्यास विराट और माँ की डोली वहाँ पर जो है चांदी में वो और वृद्ध माता गोधरा माई का खास करके यहाँ का महत्व है, जो कि वृद्ध के रूप में इस चांदी में अवतरित होती है। उनकी अपनी जो है जो चारों तरफ से आ रखे फल फ्रूट वो जो है अपने भक्तों को वहाँ बांटते हैं। चौरी कड़ाकोट 2021 की नवरात्र का आज दूसरा और तीसरा पर्व, और इस पर्व में हम आप सभी देवी भक्तों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, यह मेला हमारे पूर्व आदिकाल से यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया हुआ है और पौराणिक जो प्रथा है, वैदिक पौराणिक प्रथा जो यहाँ पे है वो लगातार चलती आ रही है। धनौरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे पर हमले के विरोध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। कलियर विधायक फुरकान अहमद ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए उत्तराखंड के बाजपुर बैठक में शामिल होने जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर शनिवार दोपहर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया था। बता दें कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य पर शनिवार को बाजपुर में हुए हमले के विरोध में कांग्रेस ने पुतला कलियर विधायक फुरकान अहमद के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज उत्तराखंड के सीएम का पुतला दहन किया।
वहीं हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग भी की गई। इस हमले के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्मा रही है। हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किए। आज बात करते हैं ईरान कभी विधानसभा को लेकर, जो यहाँ के मौजूदा विधायक उनसे बात करते हैं। पुतला दहन किया गया में आज, ये क्या मामला है, किस तरीके से पुतला दहन किया गया? तो हमारे यशपाल आदि जी हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री थे, उनके ऊपर और उनके पुत्र संजीव आर्य जी के ऊपर जो जनता से विधायक उन पर आज हमला किया गया। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और हमारी सरकार से ही मांगे कि जिन लोगों ने हमारे इस बालाजी के ऊपर हमले किया हुए तत्काल गिरफ्तार किए जाए। जब वहाँ हमारी सरकार से बीजेपी में गए थे, हमने कोई भी इस तरह का उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया। आज बीजेपी बखला की, क्योंकि एक वो बहुत अच्छे दलित चेहरा है और उनके जाने से भाजपा को बहुत नुकसान होगा, इसलिए बीजेपी घबरा कर उन पर डालने वाला हमला कर रही है। वो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। हम पूरी कांग्रेस यशपाल आदि जी के उनके साथ है, सरकार के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आपकी, अगर उनकी गिरफ्तारी जल्दी नहीं की जाती तो हम जो भी हमारी पार्टी हमारे जो बड़े लीडर हैं हरीश रावत जी और हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जी सब मिलकर जो भी उनकी तरफ से आदेश होगा हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की विधानसभा आगामी के लिए जनता जो बीजेपी ने वादे किए थे आज सब वादे बदलने के लिए जनता ने मन बना चुका है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और हमारी पहले विधानसभा तो ऐसी विधानसभा जो यहाँ पर सबसे विधानसभा बनी हर बार आपके और बहुत अच्छे होते थे, बहुत भारी बहुमत से यहाँ बहुत धन्यवाद। आज उनसे बात करेंगे जो हमारे विधानसभा ज्वालापुर प्रत्याशी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सेना धरना दिवस पर सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों और उनके स्वजनों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल गुरप्रीत सिंह ने अपने संदेश में कहा कि झंडा दिवस हमें सैन्य बलों की वीरता का स्मरण कराता है, उनके कल्याण के लिए अपने योगदान के लिए प्रेरित करता है। वीर जवानों के देश की सेवा में तत्पर रहने के कारण ही हम सुखी हैं। वीर सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से सशस्त्र सेना के कल्याण कोष में श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। ये अवसर राष्ट्र के सजग प्रहरियों के अविस्मरणीय बलिदान और सेवाओं को स्मरण करने के उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का है। सशस्त्र सेना दिवस के कोष में सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए सभी को योगदान करना चाहिए। उत्तराखंड के राजकीय चिकित्सालयों में आम जन को मुफ्त दवा वितरित की जाएगी। चिकित्सा यदि अस्पताल में मिलने वाली दवा के इतर कोई दवा लिखित है तो उसके कारण लिखना होगा और यह दवा सरकार ही उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सरकार ने नई निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसमें निर्यात का लक्ष्य 3,000 करोड़ रुपए रखा गया है। साथ ही इसके अंतर्गत 30,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के सृजन की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में आमजन को मुफ्त दवा देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही विभाग द्वारा दवा खरीद की व्यवस्था भी बनाई गई है। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पहली बार उत्तराखंड निर्यात नीति 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इसमें 2020 से 21 में तय 15,900 करोड़ के निर्यात लक्ष्य को आगामी 5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए करने और 30,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। ज्वालापुर विधानसभा के गांव कलेवाल में ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है, जबकि यहां पर मौजूदा भाजपा के विधायक सुरेश राठौर हैं, लेकिन वो भी 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन अब की बार भाजपा पार्टी को जड़ से उखाड़कर कांग्रेस लाएंगे और इंजीनियर एसपी सिंह जैसा विधायक लाएंगे जिससे गाँव का विकास भी होगा, जबकि इंजीनियर एसपी सिंह हमारे दुख सुख में हमारे पास दर जानने आते रहते हैं।
उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष पीसी गोरखा लालकुआ तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील व्यवस्थाओं के बारे में जाना और अनुसूचित जाति के लोगों के बनाए जा रहे प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी जुटाई। वहीं उन्होंने तहसील के आधार पर कार्ड सेंटर, ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर, निर्वाचन कक्ष का निरीक्षण करते हुए डेमो वीवीपैट मशीन की शिथिलता के बारे में भी जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में हुई विजय संकल्प रैली को उत्साहित भाजपा अब कुमाऊं मंडल की रैली पर फोकस करने जा रही है। प्रधानमंत्री 24 दिसंबर को कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी में रैली करेंगे। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री की यही पहली रैली है। देहरादून रैली से गढ़वाल मंडल में माहौल बनाने के बाद पार्टी की कोशिश अब कुमाऊं मंडल को साधने पर है। इतना ही नहीं, प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय नेतृत्व से विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के पांचों लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की एक एक जनसभा का कार्यक्रम निर्धारित करने का आग्रह भी किया है। इस पहले पार्टी राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करने का प्रयास करेगी। देवीदुरा के गांव केदारनाथ में शादी समारोह में दलित रमेश राम की मौत की निष्पक्ष जांच कराने के लिए भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन कुमार ने टनकपुर एसडीएम हिमांशु कफलटिया के माध्यम से जिलाधिकारी चंपावत को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मदन कुमार ने कहा कि देवीदुरा के केदारनाथ में बारात में कुछ लोगों ने दलित के साथ मारपीट की थी, जहां गंभीर चोट आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।